सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिला जज डॉक्टर रमेश चंद्र द्विवेदी के निर्देश पर नालंदा में फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनाकर जमानत लेने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। इतना ही नहीं, कोर्ट के द्वारा बढ़ती जा रही सख्ती के बावजूद भी इस सिंडिकेट का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिसके द्वारा फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र ही जारी नहीं किया जाता बल्कि सर्टिफिकेट में गड़बड़ी करते हुए निडर होकर कोर्ट में गवाही भी दी जाती है। और नालंदा में कुछ इसी तरह का मामला एक बार फिर से प्रकाश में आया है, जहां फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर गवाही देने के दौरान ही हिरासत में लेकर बिहार थाना को सुपुर्द किया गया है। इधर पुलिस सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार करते हुए FIR कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल आपको बताते चले कि नालंदा जिला अदालत में SC/ST के विशेष न्यायाधीश ADJ 1 कन्हैया जी चौधरी के आदेश पर पेशकार प्रशांत कुमार ने बिहार थाने में FIR के लिए लिखित आवेदन दिया है। आरोपित हेडमास्टर राजेश कुमार नालंदा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय नालंदा विद्यापीठ का हेडमास्टर है और वे बिहार शरीफ में रामचंद्रपुर मोहल्ले के निवासी हैं। नालंदा थाना के मोहनपुर निवासी W कुमार ने SC/ST व मारपीट के मामले में नाबालिग होने का प्रमाण पत्र सौंपा था, जिसके बाद कोर्ट ने प्रमाण पत्रों की सत्यता के लिए नालंदा विद्यापीठ के हेडमास्टर को सदैव उपस्थित रहकर स्कूल का नामांकन पंजी की मांग की थी। उम्र जांच के दौरान हेडमास्टर के द्वारा दिए गए नामांकन पंजी स्कूल परित्याग प्रमाण पत्र का फाइल कोर्ट में दाखिल किया गया। कोर्ट ने नामांकन पंजी में उम्र एवं नाम में व्हाइटनर लगाकर छेड़छाड़ पाया। इतना ही नहीं, उसके सर्टिफिकेट के नाम में अंतर भी पाया। नामांकन पंजी में नाम W कुमार तो कहीं W कुमार पाया। इतना ही नहीं, विद्यालय के द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो पेश किया गया उसमें कुछ प्रमाण पत्र का क्रम संख्या भी गायब मिला। इस पर और फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई। हालांकि कोर्ट में आरोपी की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता अशोक कुमार ने अभियुक्त का वर्ष 2019 में एक दूसरे मामले में नामांकन पंजी को अंकित करते हुए नाबालिग होने की बात बताया। इसके बाद कोर्ट ने इसे गहनता से जांच की तो कई जगह ओवरराइटिंग में फर्जीवाड़े की पता चली। विदित हो कि नालंदा थाना के बड़गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार ने अभियुक्त W कुमार के अलावे कई अन्य लोगों पर मारपीट कर जख्मी करने का मुकदमा किया था, जिसमें आरोपित W कुमार को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले में अभियुक्त ने नाबालिग होने का दावा किया और स्कूल का नामांकन विद्यालय प्रमाण पत्र दाखिल किया था और इसी मामले में आज हेडमास्टर के द्वारा कोर्ट में गवाही दी जा रही थी, जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। दरअसल हम आपको बताते चले कि हेडमास्टर राजेश कुमार नालंदा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय नालंदा विद्यापीठ के हेडमास्टर हैं और इनके द्वारा W कुमार नामक एक युवक को फर्जी तरीके से नाबालिग का प्रमाण पत्र दिया गया ताकि वह इस अपराध में बच सके और उसे जमानत मिल सके, और वो आज निडर होकर ADJ 1 के कोर्ट में गवाही देने के लिए भी पहुंच चुके थे। दरअसल हम आपको बताते चले कि नालंदा में इन दिनों फर्जीवाड़े तरीके से जमानत दिलाने के एक बड़े स्कैंडल का खुलासा भी हुआ था, जिसमें 10 लोगों को नामजद अभियुक्त भी बनाया गया है और अब तक इस मामले में पुलिस के द्वारा एक भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। लेकिन कोर्ट ने आज एक बार फिर से अपनी सक्रियता दिखाते हुए एक हेडमास्टर को रंगे हाथ दबोचकर बिहार थाना को सुपुर्द किया और FIR दर्ज कराकर अग्रतर अनुसंधान कराई जा रही है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।